माँ बोली नूं तैयार करन वालियां दा अज दी क्लास दे विच बहुत बहुत स्वागत है जी। अज दी क्लास विच असीं सिखांगे औंकड़ अते दुलैंकड़ वाले शब्द। औंकड़ जिहड़ी है उसदा चिन्ह इस तरह होएगा, सिर्फ एक जिहड़ी है किसी भी अक्षर दे पैर दे विच ए वाले निशान चिन्ह पएगा, जदों कि दुलैंकड़ दा मतलब है दो। इस तरह दे जिहड़े चिन्ह ने किसी भी शब्द दे विच किसी भी अक्षर दे पैर दे विच दो पैणगे। अंकुड़ जिहड़ा है उसनू उस शब्द नू उचारण दे समय बोलण दे समय घट समा लगता है, इस करके यह लघु स्वर है। ठीक है जी, जदों कि दुलैंकड़ दे विच वध समा लगता है इस करके यह दीर्घ स्वर है। लटका पैदा हुंदा किसी भी शब्द नू उचारण दे समय बोलण दे समय वध समा लगता है, इस करके जदों असी दुलैंकड़ वाले शब्द बोलते हाँ उस टाइम के उपर असी जिहड़ा है उस शब्द नू वध समा लैके लटका के फिर बोलते हैं। औंकड़ वाले शब्द असीं लिखांगे। सब तो पहला शब्द है जी सुन। ठीक है जी, जे इहदे पैर विच असीं दुलैंकड़ पा दे तां उह सून बन जाएगा, यह फर्क है। नंबर दो ते बुण। फिर है जी नंबर तीन कुर्सी। नंबर चार ते असीं लिखांगे शब्द गुलाब। फिर है जी गुलाब तो बाद दुकान। देखो बोलन दे विच घट समय लग रहा दुकान। छे ते असी लिखांगे गुलदस्ता। गुलदस्ता गुलदस्ता नहीं है, दुलैंकड़ नहीं है, औंकड़ है, इस करके गुलदस्ता। सत नंबर ते सुरजीत। ठीक है जी, सुन बब्बे नू औंकड़, राणा बुण, कक्के नू औंकड़, रारा, सस्से नू बिहारी कुर्सी, गग्गे नू औंकड़, लल्ले नू कन्ना, बब्बा गुलाब, दद्दे नू औंकड़, कक्के नू कन्ना, नन्ना दुकान, गग्गे नू औंकड़, लल्ला, दद्दा, सस्सा, तत्ते नू कन्ना गुलदस्ता ते सुरजीत। हुण असी जी दुलैंकड़ वाले शब्द लिखांगे। दुलैंकड़ वाले शब्दां दे विच असी जिवें इक पहला अक्षर शब्द लै लिया नूर। हुण देखो आवाज़ जिहड़ी है उह असी उचारण दे वेले लटका पैदा होया लंबा समां लग गया नूर। जे कल्ली हुंदी फिर होना सी नूर। ठीक है, जो कि गलत है, इस करके जदों दुलैंकड़ पई तां उह शब्द बन गया नूर। इसे तरह दूसरा शब्द असीं जे लै लईए दूर। जे औंकड़ हुंदी असीं बोलणा सी दूर। ठीक है जी, तो दो लैंकड़ है इस करके दूर। सूरज। स्कूल। कबूल। कबूतर। कक्का, बब्बा, बब्बे नू दुलैंकड़, तत्ता, अरारा, कबूतर, अमरूद, पैड़ा, मम्मा, अरारा, अरारे नू दुलैंकड़, दद्दा, अमरूद। ठीक है जी, औंकड़ वाले शब्द, दुलैंकड़ वाले शब्द।
नूर दूर सूरज स्कूल कबूल कबूतर अमरूद। उम्मीद है जी औंकड़ दुलैंकड़ के फर्क भी समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।